2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। आज भी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको पता ही होगा जिसमें वो मथुरा का जिक्र कर रही हैं। इसके यूं तो कई सियासी मायने निकाले गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कही है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे और उसके बाद उनको शिकायत भी नहीं करने देते थे। अगर कोई व्यापारी शिकायत करता था तो फिर उसको जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार में किस तरीके से गुंडा राज था इस तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि देखिए उस सरकार में कितनी ज्यादा दिक्कतें व्यापारियों को होती थी और 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से ये सारी दिक्कतें दूर हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारी व्यवस्थाएं हुई हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि जनता ने कमल का फूल खिलाने का काम किया। अब केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आ रहा है तो ऐसे में उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप उनके पूरे बयान को सुनिए और फिर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उनके इस बयान पर क्या राय रखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था। आज भी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यह पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था।